हमें मान लेना चाहिए कि इंडिया का हेगेमोनिक प्रेजेंस है ड्यू टू द डीप मार्केट एंड द अवर्ट कमर्शियलिज्म, जितना रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं और फिर आईपीएल में जो बोर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो प्लेयर्स को अट्रैक्ट करते हैं, दिस मीन्स कि दे हैव ग्रोन डीप इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट और ये अब वाकई आईसीसी टूथलेस है और खत्म नजर आ रही है, चीज नजर आना शुरू हो गई है। सो मेरे ख्याल में ये सिर्फ वेस्टर्न ब्लॉक नहीं, वेस्टर्न ब्लॉक तो उन पर इंटरडिपेंडेंट है और उनके कहने पर अभी नहीं हुआ था वो जो केपीएल में उन्होंने कहा था कि जी वो हालांकि 5 साल से ज्यादा रिटायर हुए प्लेयर के वो नहीं जाएंगे, उनको भी मना कर दिया था एक दिन। और उससे केपीएल जो है ना वो लीग जो हमारी कि जहां पे आपके साथ ये इन्होंने किया, यार यार इतना तो कोई यार बेगाना भी आपके साथ नहीं करता। अपना ये उसको ट्रेड को क्या कहते हैं, तजारत के लिए एक सेफ जगह, ठीक, नंबर वन। तो आई थिंक दैट दिस इज अ वेरी गुड मैसेज। सेकेंडली, रमीज हसन राजा हैज कम डाउन स्ट्रांग। एक तो उन्होंने ये कहा है कि भाईजान ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है, जहाँ पे वो थोड़े से मुगलता है उनको, क्योंकि ये वेस्टर्न ब्लॉक नहीं है, ये इंडियन डोमिनेंस है जिसको वेस्ट रिपोर्ट कर रहा है, दैट इज माय फाइनेंशियल्स में अगर आप देखें, ठीक हो गया। सो उन्होंने ये कहा और दूसरों ने कहा जी हम ऑफशोर नहीं खेलेंगे, इनफ इज इनफ, ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा, वो आप वाली बात कि अब ऑब्वियसली हमें अपने आउटलेट्स को और अपने घर को सीधा करना पड़ेगा। ये हो गया जी हमारा इंट्रो। उसके बाद जी जॉर्ज डोबेल जो कि बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने क्रिक इन्फो पे लिखा है और उन्होंने धज्जियां बखेर के रख दी। उन्होंने कहा यार 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में आधे किलोमीटर दूर ब्लास्ट हो रहा थी और इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, बल्कि मैच ऑफ द टूर्नामेंट था, लेकिन स्टिल टीमों ने जाके खेला पाकिस्तान में। उन्होंने फिर वो पूरा एक सीक्वेंस में कहा कि मिसकमिटमेंट है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की, ये टिमिडिटी है, ये डर गए। लेकिन जनाब पीटर ओबॉर्न जो है, जिन्होंने वो लिखी है कॉर्नर टाइगर्स पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। वो कहते हैं भाईजान नंबर वन ये सारा आईपीएल फैक्टर है, इवन मॉर्गन आईपीएल खेल रहा है, पहले टेस्ट मैच भी गया जो 5वां टेस्ट था सीरीज का, उसके बाद कहता है कि इंग्लैंड इररेलेवेंट है, इंग्लैंड का जो प्रेसिडेंट है चेयरमैन है जो भी है, कहता है वो इंज लग रहा है कि किसी के कैंड से चल रहे, एंड दिस इज डिसग्रेसफुल और दे आर कावर्ड्स, ये उनके स्टेटमेंट है। इस पे शोएब अख्तर साहब आप क्या कहेंगे? माइकल एथर्ट, बिल्कुल ठीक बात। माइकल एथर्ट ने क्या कहा? माइकल एथर्ट ने ये कहना कि डिसीव किया है कमिटमेंट करके कि आप आओ और व्हेन पाकिस्तान बेल्ड देम आउट, 450 मिलियन पाउंड बचाया इनका ब्रॉडकास्टिंग का जब ये मरे पड़े थे, और अब जब मौका आया है तो दे हैव शोन देयर बैक्स। देखिए पहली बात तो ये कि ये डिसेप्टिव डिसीजन था, डिसेप्टिव था कि रिसीव किया पाकिस्तान को, ये बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को उन्होंने बीच चौराहे में लाके उन्होंने छोड़ा है और एक कावर्डली एक्ट था और अपनी कमिटमेंट से पीछे हटा इंग्लैंड और बिल्कुल हटा है। और 400 मिलियन पाउंड है, 300 मिलियन पाउंड है या 2 मिलियन पाउंड था, ये 2 पाउंड थे टोटल, ठीक। पाकिस्तान स्टिल वेंट और हमने तुम्हें वो पैसे कोविड के दिनों में बचा के दिए ब्रॉडकास्टिंग के, ठीक है। उसके बाद कमिटमेंट ये थी कि आप हमारे पास भी आओगे, ठीक, और आपने हमें इसलिए छोड़ दिया बीच चौराहे में कि समझ जाएं आप, के बस समझ जाएं ना। लेकिन बट यार इट्स क्या, इस पे कितनी बात करूं मैं। अच्छा, रमीज राजा ने वो भी कह दिया, क्या जी? उन्होंने कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया नहीं आता। तो फिर एक फॉरेन जो जर्नलिस्ट था उसने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया नहीं आता। उन्होंने कहा यार बैक एंडेड सीक्वेंस मैं देख रहा हूँ ना, ये जो वेस्टर्न माइंडसेट है जिसपे पहले न्यूजीलैंड था फिर इंग्लैंड हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आएगा? वेस्टर्न ना आया तो हमारा तो कैलेंडर पैक हो गया ना, वो कहते हैं डोमेस्टिक बायलैटरल सीरीज का, इंटरनेशनल सीरीज का। स्ट्रांगली कॉन्टेस्ट करेंगे इसके अगेंस्ट कि अगर इसके साथ कोई मुआहदा टाइप आता है, क्योंकि जहाँ पे आपके साथ ये इन्होंने किया, यार यार इतना तो कोई यार बेगाना भी आपके साथ नहीं करता। यार मैंने कल फेवर दिया आपको, मैं ये नहीं कह रहा मैं नेकी का बदला नेकी दे, लेकिन यार मेरे मुंह पे मुक्के तो ना मार। और आपको कॉनोटेशंस पता होनी चाहिए थी और आपने कमिटमेंट दी हुई थी, आपने मिसकमिट किया। और सिक्योरिटी का भी कहा है उन्होंने कि अनचेंज, वो कह रहे हाई कमिश्नर ने भी नहीं कहा, सिक्योरिटी प्लान भी है। अच्छा, वो जो न्यूजीलैंड कह के गया ना कि टारगेटेड हमारे ऊपर वो था थ्रेट, तो माशाल्लाह उन्होंने भी अपनी ट्रैवल एडवाइजरी चेंज नहीं की थी उस दिन, नहीं थी, दे हैड डिसाइडेड कि हमने जाना है। भाई ट्रैवल एडवाइजरी चेंज होती है ना पहले कि इस रास्ते से नहीं जाएंगे, बट दिस इज अ प्री प्लान्ड, ये प्री प्लान्ड था बस। जनाब यासिर हमीद साहब,
प्री प्लान्ड और ओबॉन साहब ने आपने देखा है, दिस इज हाउ आई पर्सनली फील, मैं तो ओपन कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के आईकॉन्स हैं, एक तो बोल रहा है ठीक है, अब दूसरे को हमने भी बिठाया नहीं हुआ, उनको भी बोलना चाहिए, मैं राष्ट्रीय की तरह इशारे करो, लेकिन और भी बड़े आईकॉन्स हैं जो कस्टोडियन बनते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, दिस इज द टाइम दे शुड स्टैंड अप और इसे क्यों ले लें पीटर ओबॉन से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो माई बाप बनते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, जो कस्टोडियन बनते हैं जनाब। देखिए ये टाइम है और इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ सारी पूरी कौम जो है वो डिसहार्ट है, और मैं तो ये समझता हूँ कि आज जो रमीज राजा ने, जो चेयरमैन साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो भी बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दी है, और ये जो स्टेटमेंट है, और देखिए इंग्लैंड अफसोस इस चीज़ का है कि उन्होंने इस कमिटमेंट पे टूर किया था कि वी विल कम बैक, मतलब हम आएंगे, और सर दो टूर करा दिए बैक टू बैक आपके, मैं कहता हूँ कि यहाँ कोविड में दो टूर्स हमने किए ठीक है, यहाँ पे टाइम था कि यार वो शो करते कि यार वी आर होम ऑफ क्रिकेट, ये हमारी गेम है, हमने इसे ईजाद किया है, आप खेल रहे हो, मतलब पाकिस्तान ने यार कितनी अचीवमेंट्स की हैं। रेक डिकसन है जो एक सिक्योरिटी कंपनी का हेड है, जो जिसको हायर किया हुआ है न्यूजीलैंड बोर्ड ने भी, इंग्लैंड ने भी, और वो हर जगह आता है, पाकिस्तान भी बहुत आता है, उसने ये रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी दी जा रही है ना इन टीम्स को, वो फार्मूला वन में भी नहीं है और वर्ल्ड ओवर फुटबॉल में भी नहीं है, इतनी रोबस्ट और पोटेंट है, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है, ये रेग डिकसन ने कहा, और ये रमीज राजा ने उनको रेप्लिकेट किया, उनको बोला। अच्छा के मुताबिक जनाब रेग डिकसन जो है ये बड़े तगड़े एक सिक्योरिटी एडवाइजर ना, बड़े अच्छे से यही काम कर रहे हैं, देख लें, मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी, और वाकई जो सिक्योरिटी न्यूजीलैंड टीम को दी गई थी वो मेरे ख्याल से मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी टीम को नहीं देखी। सही, डचेस को, ड्यूक को दी गई थी 2019 में एग्जैक्टली, और वो खेल के भी गए थे यहाँ, वो इधर सब कुछ कर गए लेकिन उनकी टीम नहीं आ सकती थी। दिखाए जी जरा रमीज हसन राजा क्या कहते हैं। Fact is that, you know, I feel very strongly about how the withdrawal scenario was painted and exercised, because I felt that, you know, we probably were used and then we were binned, and which is extremely frustrating. And I certainly feel that, you know, we are up against kind of a Western mindset, a Western bloc, who are unaware of the ground realities of Pakistan and have taken a call based on collective threat perception, collective wisdom, without realizing how much work Pakistan has put in, thousands of baby steps to get us where we are with regard to launching cricket in Pakistan. So that's been the frustrating part. I've spoken my mind, I've spoken the truth, I've allowed my feelings to and emotions to completely take over. And so that is the situation. So now we don't have a robust domestic international calendar with New Zealand, England gone, West Indies could be a little jittery. We know that Australians will probably do what the New Zealanders and England have done. So here goes our domestic international calendar for you. जरा वैसे एक चीज़ मैं इनसे पूछ लूँ कि ये जो इन्होंने बात की, भूल गए कि जो डोबेल वगैरह बोल रहे हैं या जो बोला पीटर ओबॉन ने, वो प्रॉबली वेस्टर्न ब्लॉक नहीं है ना, हमें मान लेना चाहिए कि इंडिया का हेगेमोनिक प्रेजेंस है ड्यू टू द डीप मार्केट एंड द अवर्ट कमर्शियलिज्म, जितना रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं और फिर आईपीएल में जो बोर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो प्लेयर्स को अट्रैक्ट करते हैं, दिस मीन्स कि दे हैव ग्रोन डीप इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट, और ये अब वाकई आईसीसी टूथलेस है और खत्म नजर आ रही है, चीज नजर आना शुरू हो गई। सो मेरे ख्याल में ये सिर्फ वेस्टर्न ब्लॉक नहीं, वेस्टर्न ब्लॉक तो उन पर इंटरडिपेंडेंट है, और उनके कहने पर अभी नहीं हुआ था वो जो केपीएल में उन्होंने कहा था कि वो, हालांकि 5 साल से ज्यादा रिटायर हुए प्लेयर के वो नहीं जाएंगे, उनको भी मना कर दिया एक दिन, और उससे केपीएल जो है ना वो लीग जो हमारी वो, तो इसका मतलब है कि अभी। अच्छा श्वेत, नाउ आपने एक बात की, अब हम दूसरा व्यू भी ले लेते हैं ना, ये तो हो गया, हमारे सेंटिमेंट्स हैं, इन लोगों ने बोला है, उड़ा के रख दिया है, ठीक बोला है, हमारे साथ बिट्रेल हुआ है, और ये आपने बड़ा लफ्ज अच्छा बोला कि ये सारा प्री प्लान्ड नजर आ रहा है,
नाउ अब हम लिए क्या कर रहे हैं, अगर हमने ऑफशोर जाके नहीं खेलना, हमारे डोमेस्टिक में पैसे लगने, हमने आउटले कैसे बढ़ाना, वो जो आप बात करते हैं कॉरपोरेशन होगी और उसके बाद लॉन्ग टर्म बिजनेस होगा, वो लॉन्ग टर्म है. अभी फिल वक्त हम क्या कर सकते हैं. एक हकीकत तो है ना कि इंडियन क्रिकेट वॉज नो वेयर टिल 2007 and then they found the IPL and then they had the plan. फिर उसके बाद deep market को उन्होंने tap किया, फिर पैसे आए और पैसे आने के बाद जो आप देखें कि उन्होंने players को reinforce किया, systems को reinforce किया और वो यहाँ आज पहुँच गए हैं कि वो दुनिया की cricket को, उन्होंने ICC को side पर कर दिया technically. तो ये तो एक बड़ा international cricket के लिए भी बड़ी dangerous चीज़ है कि legislative body भी चुप करके बैठ गई है. तो फिर ICC का कसूर हुआ ना. हाँ, चुप करके बैठ गई. आईसीसी कसूर है ना, उनको चाहिए पैसे. या पैसा उनको मिल रहा है, फिर हमें भी पैसे बनाने हैं ना. तो ठीक है ना, तो पैसा आप बनाए ना यार. यार अब हमारे से ना पैसा बनाया. मैंने फौरन मेरे जहन में तो यही आता, चार टीमें PSL की फौरन लॉन्च. अच्छा वो आज कह दिया रमीज ने कि अभी पहला स्टेप तो ले लिया है उन्होंने, कहा जी कि जो मर्जी हो जाए, बोर्ड को पैसे खर्चने पड़े बट गेट द बेस्ट प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो IPL में खेलते हैं वो इधर क्यों ना खेलें.